फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ऊंचा गांव निवासी एक व्यक्ति द्वारा जमानत पर आए आढ़ती पर गोली चला दी गई है। इस घटना में आढ़ती समेत 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि वर्ष 2007 में ऊंचा गांव निवासी आढ़ती हेम सिंह ने पुरानी रंजिश में पड़ोसी हरकेश की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में हेम सिंह को उम्र कैद की सजा हुई है। कुछ दिन पहले ही आढ़ती हेम सिंह हाईकोर्ट से जमानत लेकर जेल से बाहर आया है। बताया जा रहा है कि सुबह वह मंडी में अपनी आढ़त की दुकान पर बैठा था, तभी उसका पड़ोसी लोकेश आया और आढ़ती को गोली मार दी। गोली आढ़ती के हाथ में लगी, उसे तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना में एक किसान व एक पल्लेदार के भी घायल होने की खबर है। सुनपेड़ निवासी प्रदीप रावत ने बताया कि गोली चलाने वाले ने पिस्तौल से 3 बार गोली चलाई, 2 बार गोली मिस हो गई थी। आढ़ती के नजदीक होने के कारण छर्रा लगने से वह भी घायल हो गए। पुलिस घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच कर रही है। बताते चले कि इस घटना में आढ़ती समेत 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल तीनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ऊंचा गांव निवासी एक व्यक्ति द्वारा जमानत पर आए आढ़ती पर गोली चलाई गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपका प्रदीप रावत जी, सुनपेड़ से। सुनपेड़ गांव से। हाँ जी। क्या हुआ था आपके साथ? हम दोनों बातें कर रहे थे, आते ही एकदम उन्होंने के भाई साहब कनपटी पे 1 फुट की दूरी से हेम सिंह आढ़ती की 1 फुट दूरी से गोली चलाई, 2 बार मिस हुई, तीसरी बार में फायर हुई। वो दोनों मेयर भैया दोनों गिर पड़े, हाथ उनके हाथ में लगी, मैं थोड़ा सा दूर था और मेरे छर्रा लगे, उनके टच में ही था, बिल्कुल 1 फुट की दूरी पे थे, वो मेरे ऊपर गिरे, मैं दूर गिरा। पुलिस को बता दिया? अभी कुछ बयान नहीं हुए, पुलिस आई भी नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।